प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारे आंसू पोंछ दिए जाते हैं। मुझे यीशु ने बचाया है, मैं यीशु के लहू में सुरक्षित किया गया हूं। हालेलुया, ऊंची आवाज में बोले यीशु जीवित है, यीशु मेरा राजा है, यीशु ने मुझे बचाया है, मैं यीशु की मृत्यु के द्वारा जीवन प्राप्त कर पाया हूं। हमने यीशु के नाम में सुख पाया है, हमारे परिवारों में यीशु के नाम से आशीर्वाद पहुंचते हैं, हमारे जीवनों में शांति यीशु मसीह के नाम से आती है। यीशु मसीह हमें ही आप देते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारे आंसू पोंछ दिए जाते हैं। मुझे यीशु ने बचाया है, मैं यीशु के लहू में सुरक्षित किया गया हूं। हम यीशु मसीह में बचाए गए हैं, हमें मसीह यीशु ने गिरने से बचाया है, हमें मसीह यीशु ने असफल होने से बचाया है। हमारे जीवन में से सारी निराशाओं को यीशु मसीह ने खत्म किया है। यीशु मसीह मेरी आशा है, यीशु मसीह मेरा हियाब है, यीशु मसीह मेरा जीवन है, यीशु मसीह मेरी चमक है, यीशु मसीह मेरा प्रकाश है, यीशु मसीह मेरी मजबूती है, यीशु मसीह मेरा हियाब है, यीशु मसीह मेरे छिपने का स्थान है। मुझ पर जब भी विपत्ति आए, संकट के समय में वो मेरा साथ देता है। आकाश और पृथ्वी का कर्ता हमें बचाता है, हमें आशीष पर आशीष देता है, हमारे दिनों को आशीर्वाद में बदल देता है, हमारे दिलों को आशीर्वाद में बदल देता है, हमारे दिन और दिल दोनों आशीर्वाद में रहते हैं। हमें यीशु ने बचाया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मार खाई, कोड़े खाए, लहू बहाया, वे मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मेरे लिए, मेरे सुख के लिए, मेरे परिवार को बसाने के लिए,
मुझे आशीषित करने के लिए, मुझे दंड से आजाद करने के लिए, मेरे मुंह पर प्रकाश चमकाने के लिए, मेरे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, मुर्दों में से जिंदा हुए और वे आज भी जीवित हैं और आज प्रभु यीशु आप हमारे बीच में हैं। हम जानते हैं कि आप हमारे बीच में हैं, हम जानते हैं कि आज आप हमें मिलने आए हैं, हम जानते हैं कि आप हमें देख रहे हैं। हे प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि आप हमें सुन रहे हैं। और धन्य है वे लोग जो बिन देखा विश्वास करते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है जहां दो या तीन जन मेरे नाम से जमा होंगे, मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनमें उपस्थित होऊंगा। और आज आप यहां उपस्थित हैं, आपने हमसे वायदा किया है जमीन और आसमान टल जाएंगे, लेकिन आपका वचन कभी ना टलेगा। और आपने कहा है मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूं, ना मैं आदमी हूं कि कहकर मुकर जाऊं। आपने जो कहा आज तक सच हुआ है। धन्यवाद प्रभु यीशु हमें सुनने के लिए, हमें देखने के लिए, यीशु के नाम में आमेन।